ये क्या है? ये पार्ट नंबर 3 है। बात करें तो ये जो हमारा है सीवेज माइक्रोबायोलॉजी, इसका पार्ट और फिर उनके क्लासिफिकेशन कैरेक्टर, इन सब चीज पे देखा। पार्ट 2 में हमने क्या देखा? पार्ट 2 में हमने सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में देखा था पूरा, ठीक। यहाँ तक कि हमने पहला ट्रीटमेंट ये भी देखा कि सीवेज जो आप करते हैं सिंगल डवेलिंग था, ठीक, सिंगल डवेलिंग यूनिट पहला आपको ये हुआ। अब पार्ट 3 हम क्या देखेंगे कि उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक। जैसे हम यहाँ देखते हैं, तुम यहाँ क्या देख, ये है जो आपका इनहॉफ चैनल, जैसे कि आपका सिंगल ज्वेलिंग यूनिट था सेम उसी तरह इनहॉफ टैंक जो है वो अलग है, ठीक। इसमें क्या है? दिस टाइप ऑफ अ टैंक इज मॉडिफाइड स्पेसिफिक टैंक, नहीं सॉरी, सेप्टिक पैन टैंक। तो इस तरह का जो टैंक होता है वो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड, मतलब अभी तो ठीक था कि चलो हमने ड्वेलिंग की, मतलब गड्ढा किया, ये सब चीजें थी। लेकिन इस टैंक में क्या है, इस टैंक में बहुत तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है, इसको अलग तरीके से एकदम बनाया जाता है। सो नॉर्मल आप बना नहीं सकते, एंड आर यू एक तो मतलब इतना बड़ा बना जाता है कि हम एक बहुत बड़ी सीवेज की जो कम्युनिटी होती है, जिसे बहुत सारे जो फिर सकते थे, उसको ट्रीट कर सकते, उसको सही कर सकते थे, ठीक। दे आर टू चैम्बर, उसमें दो चैम्बर हैं होते हैं इन इट अबव द अदर, जैसे कि दो चैम्बर हुआ, ठीक। अब ये क्या है कि एक चैम्बर ये हुआ, दूसरा चैम्बर ये हुआ, तो एक जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है ये देखते हैं इसके नीचे है, तो इस तरह से ये दो चैम्बर हैं, इनका दो अलग अलग चैम्बर बना होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर ऊपर होता है, ठीक। उसके बाद आफ्टर दैट इसमें फिर क्या है, द टॉप चैम्बर रिसीव द सीवेज एंड हैवियर पार्टिकल्स। इसमें मतलब जिस तो ये जो टॉप मतलब पहला जो चैम्बर है ये क्या काम करता है कि जितने भी सीवेज के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, हैवी पार्टिकल कोई बड़े बड़े मैटर्स और बड़े बड़े मैटर या फिर कोई ऐसी चीजें जो कोई घुल नहीं सकी है, फिर जैसे प्लास्टिक हो, फिर साथ ही बड़े पार्टिकल, ठीक। तो जो बड़ा चैम्बर है वो क्या काम करता है, पहले जो चैम्बर को डिस्क्या करते हैं, मतलब इन सबको रोक देता है। उसके बाद क्या होता है, छोटा ही सपोज अंडर द एनारोबिक कंडीशन, वो क्या काम करता है छोटा वाला चैम्बर, कि वो धीरे धीरे क्या काम करता है, पोज करता है एनारोबिक कंडीशन, मतलब जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीजन के धीरे धीरे रखते हैं जो चीजें होती हैं उनको क्या कहते हैं कि वो कहते हैं जितने भी हैवी मेटल्स है, छोटा एग्जांपल क्या क्या हम चीजें हैं मेटल्स हैं, ठीक है, उनको एयर के एब्सेंस में डिकम्पोज करने का काम किया, ओके। फिर हम बात करते हैं द गैस CH4, CH4 कौन सा गैस है, मीथेन है। इज लिबरेटेड इज स्टोर्ड आउट थ्रू अ पैसेज इज यूटिलाइज अ फ्यूल। ये क्या होता है कि इस तरह CH4 गैस है, ये एक फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक। और फ्यूल की तरह यूज करने के बाद क्या कहता है कि उससे कोई मैटर हो गया और उसे क्या करना, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको बर्न करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है और अलग किया जाता है, अलग करने वाले उनको बर्न किया जाता है। तो उस समय जो CH4 गैस है, ठीक है, CH4 गैस है उस समय वो बहुत ज्यादा ही यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम देखेंगे द रिमेनिंग सीवेज वाटर इज अलाउड टू पास विद लार्जर बॉडी ऑफ वाटर और इज सब्जेक्ट टू एनरोबिक डीकंपोजिशन. ठीक है अभी तक तो हैवी मेटल्स हो गए उसको उस मैटर ठीक है वो हो गया. उसके बाद भी सीवेज होती है तो जो रिमेनिंग सीवेज वाटर जिसमें बचा वो सीवेज का पानी होता है वो क्या होता है कि वो लार्जर वाटर बॉडीज कौन से हुए. तो लार्जर वाटर बॉडीज फॉर बात करें तो इसमें फ्लोरा भी हो सकता है फाना दोनों एक साथ क्यों क्या होती है सब बॉडीज तो सर्वाइव कर रहे हैं उनकी बात चल रही है. तो जब इनके डिकम्पोज की होती है तो ये भी होते हैं तो फिर एयर के प्रेजेंस में डिकम्पोज. बात करें हम जो वाटर बॉडीज हैं जो बचे हुए वाटर डिकम्पोज की बात होती है तो वो एयर में प्रेजेंट मतलब डिकम्पोज होते हैं जो कि क्या कहते हैं डिकम्पोज की बात चलती है. ठीक है जो छोटे वाले पाइप से होते हैं वो किस में होते हैं वो एनरोबिक में होते हैं मतलब वो एयर के में ही होते हैं. ठीक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर दस पॉडिकली रिमूव एडिएटेड एंड यूज एयर. अब कहने का ये मतलब है स्लग मतलब जो गन जब आप सीवेज देखो आप काफी देखे होंगे जब से तो क्या होता है काफी सारी चीजें बाहर निकलती हैं तो जो चीजें बाहर हैं जो उनको अलग किया जाता है ठीक उसको आप क्या कर सकते हो उसको आप एज ए मैन्योर यूज कर सकते हो. मतलब मैन्योर मतलब समझो जो आप फील्ड्स में डालते हैं तो आप इसे एज ए मैन्योर यूज. ठीक है इससे क्या होगा कि आप क्या कहते हैं एक चीज से दो चीज आपने व्यक्ति सफाई कर दी दूसरा जो बचा हुआ चीज था आप एज मैन्योर वो यूज हो गया आपके क्रॉप फील्ड में जिससे आपको जो कल्टिवेशन है उस खूब फायदा हो गया. ओके नाउ हियर म्युनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस. म्युनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस है क्या क्या के बात चल रही है कि जो आप सुने होंगे जैसे कि नगर निगम नगर पालिका यू हैव टू हियर इट अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल 343 इसके तहत आता है आपको आप तो सुने ही होंगे और अमेंडमेंट 1792 Enforces 1993. तो यहाँ पे म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो मतलब ये सरकारी बात चल रही है. लोग हैं नगर निगम वाले और कहते हैं वो आने के जब वो सफाई करते हैं तो उनकी बात चल रही है तो वो कैसे करते हैं ट्रीटमेंट इंक्लूड प्राइमरी ट्रीटमेंट. अब देखो उनके ट्रीटमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है तो पहले तो वो ट्रीटमेंट तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. अब वो जो ट्रीटमेंट तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी. ठीक उन्होंने क्या किया तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब जो प्राइमरी है उसको वो मैकेनिकल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं मैकेनिकल इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं हैवी चीजें होती हैं पहले वो क्या करता है एक्सपेल आउट करता है मतलब उसको बाहर निकाल देता है. देन बायोलॉजिकल वो क्यों बोलते हैं बायोलॉजिकल ये बोलते हैं जैसे कि एलम डाल दिया हमने. ठीक हमने क्या डाल दिया फिटकर डाल दिया. फिटकर क्या काम करेगा कि जितने भी मतलब माइक्रोब्स हैं अनवांटेड माइक्रोब्स हैं उनको एक्टिव डेथ का काम करेगा और वाटर प्यूरिफिकेशन में फिटकरी करती है. ठीक तो ये हो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उन्होंने किया. फाइनल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं दे पुर द क्लोरीन वो क्लोरीन डाल देते हैं. क्लोरीन डाल के वो क्या कर रहे हैं भाई साहब तो वो पाउडर का काम कर रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में कोई चीज प्योर जाएगी जो गंदगी है तो उसमें काफी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट भी होते हैं. हम पढ़ चुके हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया फंगी हो गए जैसे कि उनसे जो डिसीजेज होती है फॉर एग्जांपल टाइफाइड हम बात कर लें फिर हम बात करें कॉलरा की तो इस सबसे जो डिसीजेज होती हैं तो उनके अंदर जो प्रेजेंट माइक्रो होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है तो उन सबको सब होता है तो तीन स्टेप पार्टीज अपनाती है. उसके बाद अब हम चलें The sewage arrived plant is first subjected to mechanical. This is following the dilution and segmentation to remove the solid material. ठीक हमने पहले बात कर ली कि mechanical treatment के बारे में बात चल रहे हैं तो mechanical treatment मतलब treatment जो कि जितने भी large heavy bodies हैं जितनी मेटिकल मैकेनिकल टर्म्स हैं
या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कल का नहीं तो ठीक है, कोई भी बड़ी चीजें जिनको पहले हम जिस सॉलिड चीजें होती हैं उनको अलग करने के, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे सॉलिड जो मैटर होता है उनको रिमूव करने की यहाँ बात चलती है। ओके उसके बाद फिर क्या है, सीवेज इज पास थ्रू सीज ऑफ फिटनेस ऑफ डिफरेंट ओपनिंग एंड देन अलाउ टू फ्लो देम सेगमेंटेशन यूनिट टाइम बेसिन। अब यहाँ क्या कह देता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक नाला है, अब इसमें बहुत सारे डस्ट हैं, हमें क्या करना है कि हमें इसका ट्रीट करना है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये पहला स्टेप है। तो हम जब इसको फ्लो अप कराते हैं, जब फ्लो अप कराते हैं यहाँ से जब पास थ्रू होता है तो जितने भी हैवी मेटल्स हैं, अब ये क्या हम पहला स्टेप चल रहे हैं लेके, तो वो अलग हो गए। अब हम जब सेकंड स्टेप पे आएंगे तो वो जो फिर इसको फ्लो कराएंगे, ठीक है, जब इसको फ्लो कराएंगे इस समय क्या होगा, हम क्या करेंगे कि जब उसको किसी फ्लो कराएंगे, फ्लो करा ठीक टैंक वक में रखेंगे, ठीक। तो जब वहाँ टैंक वक में रख, तो हम तो पहली बात तो चीजें छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप कभी नोटिस करो, अगर पानी है कभी आप नोटिस करो, अगर आप उसको काफी टाइम के लिए छोड़ देते हो तो कुछ डस्ट जो है बैठ जाते हैं, ठीक। तो पहले तो ये काम हो गया, ये काम करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें हम केमिकल्स डाल देंगे, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, कहते हैं गंदगी को छानने में और हेल्प कर देगा। Then the sewage is passed through series of fitness of different opening and then allowed to flow through segmentations. Fine, ये तो हो गया हमारा complete। हाँ ठीक है, हमें पता है कि इससे क्या heavy metals हमने अलग कर दिया, अब वो क्या कहते हैं आराम से फ्लो होगा, और फिर देखते हैं जो गंदा पानी है वो थोड़ा सा जो नीचे अभी भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे पड़ जाएंगे, थोड़ा साफ जो पानी रहेगा उसको बाहर फ्लो करा दीजिएगा। The solid materials are collected from the segmentation during ये पूरी बात कर रहा है कि जब सेगमेंटेशन हमने कैसे करा, क्या जो पानी हमारे पास बचा उसको हमने ऐसे डाल दिया इसमें, अब जो गंदगी है छर के जो नीचे के बैठ गई, नीचे के बैठने में जो पानी है वो बाहर निकला, ठीक। बाहर हमने पानी को निकाला, तो ये जो चीजें हैं जो सॉलिड मटेरियल निकाल जो चीजें थी, ठीक है, जितनी भी तरल पदार्थ सॉरी जितनी भी सॉलिड चीजें थी, जब उनको हम अलग करते हैं पानी से और उस गंदगी से, मतलब पानी से हमने क्या कहते हैं गंदगी को अलग किया, तो जो गंदगी है बची थी वो क्या हो गई, हमारी स्लग हो गई, ठीक। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ उनका रोल प्ले होता है, ठीक। क्योंकि बायोलॉजिकली अगर टर्म की हम बात करें तो हमको समझ आना चाहिए कि बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं तो जो माइक्रोब्स हैं वो बायोलॉजिकल ही है। यहाँ पे आपको दो फेज आएगा, बेसिकली दो फेज वो इन्वॉल्व करता है। पहला है आपका एरोबिक ए बी और दूसरा होता है एनएरोबिक ए एन बी। तो ये जो तो इम्पोर्टेंट आपका बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट में एक्टिविटी में ये दो इन्वॉल्व होते हैं ना। अगर हम एरोबिक फेज की बात करें, क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ एरोबिक डाइजेशन, ये कुछ चीजें एरोबिक मतलब कुछ ऐसी चीजें लेगा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस की बात चल रही है, क्योंकि एरोबिक है और एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके तो ये क्या करेगा कि जितने भी मतलब एरोबिक डाइजेशन स्लग्स बाय डिफरेंट फीडर ऑक्सीडेशन पॉइंट्स एंड एक्टिवेशन स्लग प्रोसेस, अब ये क्या करता है कि जितने भी वो चीजें जैसे कोई ऑर्गेनिजम्स हो गया, फिर कोई भी ऐसी चीजें जो स्लग में से गंदगी में मतलब कोई भी ऐसी चीजें जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो वहां पे उसे जाएगा और उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। मतलब डाइजेस्ट मतलब क्या हो गया, डिकम्पोज ही तो हो गया एक तरह से ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। और साथ ही साथ ये क्या काम करेगा कि जो एक्टिवेशन प्रोसेस है मतलब पॉन्ड हो गया, फिर कोई भी ऐसी जगह हो गई जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की वहां पे एब्सेंस को फुलफिल करके मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वहां पर सफाई करने का ये काम करेगा। सेकेंड थिंग एनएरोबिक फेज में क्या होता है कि ये सारी एनएरोबिक चीजें लेगा, मतलब वो चीजें उठाएगा जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और फिर वहां पर जाके वो क्या काम करेगा, उनको प्यूरिफाई करने का काम करेगा। एनएरोबिक फेज फिर उसका ये हो गया हमारा, फिर हो गया इन ट्रिकलिंग फिल्टर। अब ये ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये कम से कम 10 से 6 से 10 फीट गहरा होता है, ठीक। एक बहुत बड़ा हमने गहरा क्या कर दिया, हमने गड्ढा कर दिया, इतना बड़ा गहरा कर दिया। अब क्या कहते हैं नीचे जो है डीप, एकदम नीचे क्या रहेगा,
आपका कहते हैं स्टोन रहेगा, ग्रेवल्स रहेगा, मतलब कंकड़ अंकड़ रहेंगे, पत्थर वत्थर रहेंगे, ठीक है, और कहते हैं पत्थर के चूरू रहेंगे, क्रशिश स्टोन्स ग्रेवल्स एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें रहेंगी। द सीवेज इन्फ्लुएंस आर स्प्रेड ओवर द सर्फेस ऑफ बेड बाय इट्स सेचुरेशन विथ ऑक्सीजन। अभी क्या काम करेगा, यहाँ इसने कहते हैं पानी डाला, कौन सा, वो सीवेज का पानी डाला। अब देखो ये क्या काम करेगा, अपने आप ही धीरे धीरे नहीं होता, धीरे धीरे फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद क्या होगा कि अगर जो उसके अंदर पानी ऑक्सीजन की कमी कम हो गई थी, ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन की पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी पानी में हो गई थी, उसको फिलफिल करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि जितनी गंदगी है वो ऊपर की तरफ आएगी, और जैसे पानी छन छन के नीचे जाएगा, मतलब बहुत ये टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको एकदम बेसिकली प्योर वाटर मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या है, लेटर द बेड सरफेस इज कोटेड विथ एरोबिक माइक्रोबियल फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ माइक्रो। अब देखो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो नीचे का एरिया है, जो बेड सरफेस जहाँ पे ग्रेवल्स हैं, स्टोन्स हैं, उनके कहते हैं क्रशेज हैं, वो किससे पूरे घिरे हुए होते हैं, तो उसको किससे कोटेड किया जाता है, क्या होता है, तो एरोबिक बायोबल फ्लोरा से, तो मतलब उन फ्लोरा से, उन छोटे छोटे पेड़ पौधों से घेर दिया जाता है, छोटे छोटे एल्गी से, फंगी से, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबसे घेर दिया जाता है, जो कि रहते हैं ऑक्सीजन कैरी करते हैं एंड दे आर हार्मफुल सॉरी यूजफुल। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन काम कौन करता है, ये ही लोग करते हैं ना, जैसे कि एल्गी हो गया, फंगी हो गया, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो, इनमें करके नाइट्रोजन फिक्स करने काम करते हैं, चाहे पानी हो चाहे लैंड हो, तो सेम वहीं पे इसी तरह ही क्या काम करा रहा है, ग्रेवल के साइड प्रेजेंट रखा है, जिससे क्या कहते हैं पानी जो है उसमें ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सके। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद फिर दिस ट्रीटेड इन्फ्लुएंस आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड देन पास थ्रू द सेगमेंटेड टैंक। अभी क्या होगा कि इसको भी अलग करके, ठीक, अभी हमने एक प्रोसेस कर लिया, इस प्रोसेस को करने के बाद जो पानी है उसको अलग करेंगे, और अलग करने के बाद इसको एक दूसरे टैंक में भेजेंगे। क्या पेपर खुद इमेजिन करो इतना प्रोसेस क्यों वो प्रोसीड कर रहे हैं, इस क्योंकि इसको ट्रीट, मतलब उसको जो सफाई है करना इतना आसान नहीं रहता है ना, काफी गंदा पानी होता है। आज कर लेते हैं तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में प्रेजेंट, करना तो बेसिक मेरा हमारा एम होता है, उसको हम किल नहीं करेंगे, डिसीज भी हो सकती है, इस वजह से इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। क्या किया, पानी को अलग किया, ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद उसको अलग किया, और अलग करने के बाद अब फिर से उसको सेगमेंटेशन टैंक में भेजे। एज वी नो दैट सेगमेंटेशन टैंक में क्या ऑपरेशन का प्रोसेस, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है सेगमेंटाइजेशन ऑफ सीवेज बाय द प्रोसेस इज वेरी स्लो। ठीक, हमें पता है कि जो एरोबिक डाइजेशन है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट कराने का जो प्रक्रिया है, जो कमी हो चुकी है हमारे पानी में, उसमें जो ये प्रक्रिया है बहुत धीमे धीमे होती है, क्योंकि आप खुद अगर आप एक नॉर्मल सिर्फ एक रेत ले लीजिए, और रेत लेने के बाद हल्का हल्का छोटा छोटा एक कंकड़ ले, ठीक है, और उसमें से जब पानी फ्लो मतलब करवाएंगे, उसमें डालेंगे, जैसे कि आपने एक छोटा सा ग्लास ले लिया, ठीक, प्लास्टिक का ग्लास ले लिया, और नीचे आपने क्या किया कि नीचे आपने उसमें बहुत छोटा बड़ा छेद कर दिया, ठीक, 7-8 होल कर दिया आपने, और उसके बाद आपने नीचे कंकड़ रखा, ऊपर रेत रखा हुआ है, और यहाँ ऊपर गंदा पानी डालिएगा, तो जब वो प्रोसेस धीरे धीरे होगा तो एक एक ड्रॉप होता है, ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ सक्सेसफुल प्रोसेस होता है, ठीक है।